सो हेलो गाइस, हिमांशु स्पीकिंग फ्रॉम CGI स्टूडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्रेज सीरीज का एपिसोड नंबर 4, जिसका टॉपिक है इंस्पिरेशंस। मैं अपनी वीडियोस के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लेता हूँ, मैं या फिर यू कह सकते हैं मैं अपनी आर्टवर्क के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से लेता हूँ, और भी कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, आज की वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे A to Z तक कि मैं अपनी वीडियोज़ पर काम कैसे करता हूँ और इंस्पिरेशंस कहाँ से लेता हूँ और फ्री एसेट्स कहाँ से ले सकते हैं या फिर जुगाड़ कर सकते हैं या फिर खुद मॉडल कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर पे मैं सारे के सारे डेटास को रखता हूँ, फ़ोटोज़ को डाउनलोड कहाँ से करता हूँ, सारी चीज़ें A to Z हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये याद है कि इंस्पिरेशन शब्द जैसे ही सुनते हैं आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि आर्टिस्ट इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं, तो आपको दो ऐप्स या फिर दो वेबसाइट्स के नाम कॉमनली सुनने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला है पिंटरेस्ट, दूसरा है आर्ट स्टेशन। ये दोनों आर्टिस्ट के लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं, लेकिन ये दोनों वेबसाइट से ही हम लोग काम नहीं कर सकते। देखिए, ये दोनों वेबसाइट पर बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं ऑलरेडी। अगर हम उनके वर्क देखेंगे तो हो सकता है कि कई बार आप उनके वर्क को कॉपी करें हूबहू अपने आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए, जो कि हम लोग को नहीं करना। तो आज की वीडियो में हम लोग वही सारे रूल्स प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही बात करेंगे कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमको अपनी आर्टिस्ट या फिर अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ठीक है। देखो, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है वॉच अदर आर्टिस्ट, मतलब कि आपको दूसरे आर्टिस्ट को देखना है कि वो लोग काम कैसे करते हैं। जैसे कि आप पिंटरेस्ट या फिर आर्ट स्टेशन में जाते हो तो आपको बेसिकली सिंपली उनका पहले वर्क को आपको ऑब्जर्व करना है कि वो लोग काम कैसे करते हैं, उनके डिज़ाइंस कैसे हैं, कंपोजिशंस कैसे हैं, कंपोजिशन को वो लोग कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन लैंग्वेज क्या है वो लोगों की। दूसरे आर्टिस्ट का डिज़ाइन लैंग्वेज में देखने में आप कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन आपको उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज देख के अपनी खुद की अपनी एक इंडिविजुअल डिज़ाइन लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत सारी डिज़ाइन लैंग्वेज को जानना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हु नोज़ कि आपको कल कैसा प्रोजेक्ट मिल जाए और आप कैसे उस चीज़ों को सॉल्व करते हो, ठीक है। अदर आर्टिस्ट की अचीवमेंट्स देखो, वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो लोग कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट्स ले रहे हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या है, ये सब को आपको ऑब्जर्व करना है। ये सब एक साइड हो गया। दूसरी साइड आपको सबसे इम्पॉर्टेंट उनका बिजनेस मॉडल देखना है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल के पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी स्किल को सेल करना या फिर अपनी आर्टवर्क के रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट को सेल करने में कोई बुराई नहीं है, आप भी कर सकते हो, आफ्टर ऑल मनी मैटर्स, ठीक है। ओके, तो ना अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। हमारी लिस्ट का सेकेंड पॉइंट है रीड नॉवेल्स और यूज ऑडियो बुक्स। देखो, नॉवेल्स पढ़ने के सबसे अच्छे एडवांटेजेस ये हैं, एक तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है और एक आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है बुक पढ़ने पे, ऐसा स्टडीज बोलती है। कई लोगों का गेम खेलने से भी स्ट्रेस लेवल कम होता है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि अगर आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो तो आप कई घंटे उसमें ही इन्वेस्ट कर लेते हो, और एज एन आर्टिस्ट हम लोग को अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। और अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमको ज़्यादा टाइम उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। बुक्स या फिर नॉवेल्स पढ़ने के फ़ायदे ये होते हैं कि नॉवेल्स में कई सारे हमको कल्चर्स के बारे में जानने को मिलते हैं। कल्चर्स में जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री को ही एज एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करूँ, तो हिस्ट्री के भी अपने तीन पार्ट्स होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब सपोज़ करो आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एंशियंट थिंग्स को मॉडल करना है या फिर एंशियंट कॉन्सेप्ट आर्ट आपको बनाना है, ठीक है, तो वो आपका अगर नॉवेल्स पढ़ रहे हो अपने पार्ट टाइम में या फिर अपने सोने से पहले या फिर कभी भी, तो आप नॉवेल्स में कैसे
एरियाज होते थे, लोग वहाँ के कैसे होते थे, वहाँ के कल्चर्स को अगर आप जान रहे हो तो उसको आप अपने कॉन्सेप्ट आर्ट में यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको एक बाकी आर्टिस्ट से अलग स्टैंड आउट करा देगा इंडस्ट्री में, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। सेम अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हो तो उसके उसमें और एंशियंट हिस्ट्री में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, सॉरी मॉडर्न इंडिया कि अगर आप कुछ हिस्ट्री या फिर रेफरेंसेस पढ़ रहे हो उसके और एंशियंट के दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर पाषाण काल, पुरपाषाण काल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टोन एज, मिडिवल एज, इस टाइप की चीज़ें थी, ठीक है। स्टोन एज में जैसे कोई आदमी था तो वो जनरली पत्थर से या फिर बैम्बू स्टिक्स, इन सारी चीज़ों को लेके हथियार शिकार करता था, अपने हथियार बनाता था फिर शिकार करता था उनसे, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ अगर आप वहाँ पर पढ़ रहे हो, उनके कल्चर को जान रहे हो, वो लोग गुफेस में रहते थे, ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर मिला के एक अच्छा कॉन्सेप्ट आर्ट बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, प्लेइंग गेम्स। देखो गेम खेलने के लिए मैं आप लोगों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपको खेलना है ना खेलो, खेलना है तो खेलो, ठीक है। गेम खेलने से ये है कि गेम में काफ़ी सारी, एक जब भी कोई एक कंपनी एक गेम निकालती है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की मेहनत होती है, काफ़ी सारे सीनियर डिज़ाइनर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप डायरेक्टली गेम खेलते हो तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो कि वो लोगों का विजुअल्स कैसे हैं। गेम को डिज़ाइन यूजुअली इसीलिए किया जाता है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक खेले और उसको एडिक्टिव रहे उस गेम से, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप के गेम्स खेल रहे हो उससे आप एडिक्टिव हो सकते हो, इसलिए सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है और मैं उसको फॉलो करता हूँ कि मैं यूट्यूब में कुछ फेमस यूट्यूबर्स के गेमिंग वीडियोस देख लेता हूँ, ठीक है, मैं बस नाम नहीं लूँगा किसी का भी, गेमिंग वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपका टाइम भी कम जाएगा और वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन भी रहता है कि 2 घंटे का है। अगर मैं पूरी वीडियोस भी देखूँ तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ही टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरी साइड गेम खेलोगे तो हो सकता है कि आप 2 घंटा यहाँ पर खेलने जा रहे हो लेकिन आप हो सकता है 3 से 4 घंटा वापस गेम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर लो। इससे इसलिए बेटर ये है कि आप किसी अच्छे यूट्यूबर्स का वीडियो देखो और पेन और पेपर लेके बैठो ताकि आप जो भी आपको विजुअल्स लगे आप वहाँ पर थंबनेल्स कैसे बना सकते हो या फिर अपने खुद डिज़ाइंस के थ्योरीज लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको गेम में अच्छा लगा, ठीक है, जिसको आप अपने कॉन्सेप्ट आर्ट में यूज़ कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसा कि जैसा आपकी मर्जी, अपने रेफरेंस बोर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर तो मैं गेमिंग और रीडिंग बुक्स को एक कैटेगरी में रखना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं हमारे लिस्ट का थर्ड कैटेगरी में आता हूँ जो कि है प्रैक्टिस 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 अकॉर्डिंग टू पाइपलाइन। अब देखो पाइपलाइन से मेरा मतलब है कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एक इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट हो तो आपके काम करने का तरीका टोटली अलग होगा, अगर आप गेम डेवलपर हो तो आपके काम करने का तरीका टोटली अलग होगा। हो सकता है आप इंडी हो, आप लोगों को पाइपलाइंस के बारे में ना पता हो, ठीक है, उसके ऊपर मैं इन फ्यूचर वीडियोस लेके आऊँगा तो उसके लिए टेंशन ना ले, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी। अगर आप एक इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट हो तो आपके काम करने का तरीका टोटली अलग होता है। सपोज करो एक कस्टमर आपके पास, ठीक है, आपको कस्टमर को आपसे एक अपने बच्चे का बर्थडे का या फिर किसी भी चीज़ का लोगो डिज़ाइंस की कुछ भी चीज़ बनवाना है या फिर उनके पोर्ट्रेट्स बनवाना है तो आप क्या करोगे, सीधे उनको बनाओगे और आपका बिजनेस डायरेक्ट उनसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर हो तो आपको क्या है, बहुत उसमें लंबा प्रोसेस रहता है, आप उसमें सिर्फ एक बीच के एक इंसान रहते हो, आपको अपने डिज़ाइन सबमिट करना रहता है, वो फिर प्रोड्यूसर के पास जाएगा, फिर वो अलग अलग मॉडलर्स, मतलब एंड रिजल्ट जो रहेगा वो आपको बहुत बाद में देखने मिलेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट हो तो आपको तुरंत डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब किताब रहता है, वहाँ पास आपके पास क्लाइंट्स आया, आपने उसके लिए काम कर दिया, आपको एक्स अमाउंट पे कर दिया उसने और आपका काम हो गया। लेकिन वहीं अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पास काम करने का तरीका टोटली अलग रहता है, उनकी हर कंपनीज की अपनी एक पाइपलाइन रहती है, आपको उस पाइपलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ठीक है, जैसे कि कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल भी है क्योंकि अगर आप मल्टीपल कंपनीज या फिर मल्टीपल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो आप बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस लैंग्वेज पे आपकी पकड़ हो जाएगी या फिर आप अदर आर्टिस्ट के वर्क को देख के उनमें से
उनके चीज़ों को सीख सकते हो और अपने खुद के कई सारे ट्रिक्स बना सकते हो या फिर उनके ट्रिक्स को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जिसको बहुत सारी ट्रिक्स पता होती है और वो जैसे ही उसको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो हर प्रोजेक्ट को अपनी ट्रिक्स के हिसाब से यूज़ कर सकता है ताकि वो क्लाइंट की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। और मैं यहाँ बस मेंशन कर दूँ कि आपको उनके वर्क को कॉपी नहीं करना है, आपको बस उनसे इंस्पिरेशन लेना है, उनके डिज़ाइन लैंग्वेज को सीखनी है, उसके बाद आपको अपनी खुद की चीज़ें डेवलप करनी है। क्योंकि अगर आप दूसरे लोगों का काम को कॉपी करना स्टार्ट करोगे तो आप हो सकता है इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम तक टिक ना सको या फिर आपको प्रोजेक्ट मिलने कम हो जाए। मैं यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली एक सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। आपको खुद के जितना ओरिजिनल हो सके आप ओरिजिनल रहो, ठीक है, और वो बनाओ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, अपनी इमेजिनेशन अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके। याद रहे आपका आर्ट आपसे बिलोंग करना चाहिए ना कि किसी और से। मैंने बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग रेफरेंस लेते हैं सीनियर आर्टिस्ट से और सिंपली उनके वर्क को वो लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। पर जैसे ही वो लोग उनके वर्क को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती है, मतलब उनकी ड्राइंग्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, प्रोफेशनल नहीं लगते। कई बार क्या होता है कि उनके फंडामेंटल्स एनाटॉमी सब चीज़ सही रहती है लेकिन फिर भी उनके वर्क अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स में बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स को यूज़ किया रहता है जो कि जब जूनियर आर्टिस्ट उनको देखता है तो वो उनको कॉपी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सीनियर आर्टिस्ट के खुद की अपनी एक ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हर आर्टिस्ट को अपनी ट्रिक्स, अपने काम करने का स्टाइल, अपना डिज़ाइन लैंग्वेज खुद बनाना चाहिए और उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में आपको ये अच्छी चीज़ ना लगे, आपकी ड्राइंग्स टोटली एकदम बकवास लगे, ठीक है, उसे डीमोटिवेट नहीं होना हमको, क्योंकि सिर्फ पेन उठाइए और ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। अगर आप ड्रॉ करते बहुत टाइम से ड्रॉ करते रहोगे तो आपका काम में रिफाइनिंग आ ही जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है, पर शर्त यह है कि आप उसको कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते जाओ। हो सकता है कि आप सिंपली एक महीने से एक की दो लाइन बस बनाते जा रहे हो और आप मुझे आके बोल रहे हो कि सर हमारा आर्टवर्क इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। दूसरे आर्टिस्ट का काम देखो, उनसे इंस्पिरेशन, लेकिन हाँ कॉपी मत करो उनके काम को, ठीक है, हो बहु उनकी कलर थ्योरीज देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टार्ट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, यानी कि आप नेचर से भी बहुत सारी चीज़ें इंस्पिरेशन के तौर पे आप ले सकते हो। एक दिन मैं इसी क्लास में बता रहा था कि ह्यूमन जो होते हैं वो एक परफेक्टली सिमेट्री वाली चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि इंसान को अगर बीच से हम लोग फाड़े तो वो भी एक परफेक्ट सिमेट्री बनता है, इंटरनल ऑर्गन्स को अगर साइड में रखें तो, ठीक है। वैसे ही जो भी ह्यूमंस की जो चीज़ें रहती है, आइज को उन टाइप की चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जिनमें एक पैटर्न्स होते हैं। नेचर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सिमेट्री वाली चीज़ों को अच्छे से, मतलब बनाई गई है पहले से या फिर वैसे ही बनी हुई है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि सिमेट्री वाली चीज़ें इन हमारी आइज़ को देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो जनरली जब भी हम लोग कोई भी आर्टवर्क बनाते हैं अगर उसमें सिमेट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है। ये रेप्टाइल्स, क्रिएचर्स, रोबोटिक्स, इस टाइप के डिज़ाइन में भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और जब भी आप इन्वायरमेंट डिज़ाइन बनाते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें नेचर से इंस्पायर होती है, और जब भी हम लोग गेम्स में इस टाइप की चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एक गेमर को या फिर जो प्लेयर बैठा है स्क्रीन के दूसरी तरफ, उसको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद होता है, इसलिए गेम्स में आप देखोगे कि मल्टीपल लोकेशंस को बनाया जाता है ताकि प्लेयर को बोरियत ना हो और वो काफ़ी ज़्यादा गेम को इंजॉय कर सके। जैसे कि मैं IGI एक गेम खेलता था 2013-14 के आसपास, ठीक है, तो उस हालांकि ये गेम पहले रिलीज़ हुआ था लेकिन मेरे पास कंप्यूटर बहुत टाइम बाद आया था, ठीक है। तो इस गेम में क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस होते थे। पहला जो गेम का लेवल होता था उसमें मैं एक घर में जाता था, ठीक है, जहाँ पर मैं दुश्मनों को मारता था, लेकिन जैसे ही मैं सेकेंड लेवल पर आता था
तो एक वेदर स्टेशन टाइप का एक सीन क्रिएट हो जाता था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते थे, फिर एक मिशन ऐसा आया था जिसमें हम लोग चाइना के किसी टेम्पल में घुस के वहाँ पास मार रहे थे दुश्मन को। यहाँ तक कि जब हम लोग लोकेशन चेंज कर रहे थे तो वहाँ के सोल्जर्स, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, वहाँ का कल्चर, सब चीज़ चेंज हो जाता था। तो ठीक है, तो ये एक अच्छा गेम डेवलपमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सीन को चेंज करते रहना, और सीन को जैसे ही आप चेंज कर रहे हो तो उसके एरियाज, उसके कल्चर्स को भी वापस चेंज करना। ये एक छोटा सा एग्जांपल है एक गेम का। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। आगे की एपिसोड्स में हम लोग पूरा कल्चरल चीज़ें को कैसे बनाते हैं, उनके पीछे कैसे, किस टाइप की थ्योरी काम करती है, ये सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक से ना भटकते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्ड योर ओन विजुअल लाइब्रेरीज। अब इसका मतलब क्या है बिल्ड योर ओन विजुअल लाइब्रेरीज का? अब देखो, सपोज करो मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ कि आपको एक कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का कॉन्सेप्ट, सपोज करो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाना है जो कि एक पुरानी भद्दी सी सिटी के अराउंड रिवॉल्व करे हमारा कैरेक्टर। वहाँ पास काफ़ी सारा पहले ही मतलब मर्डर्स हो चुका हो और पुलिस वहाँ पास आ रही हो। तो अगर ये आपको मैंने एक टास्क दिया है, देखो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको ये नहीं पता रहता कि उसको क्या चाहिए, लेकिन उसको ये बखूबी पता रहता है कि उसको क्या नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्लाइंट जब भी आपके पास आता है तो उसको ये नहीं पता रहता कि उसको क्या चाहिए, लेकिन उसको ये अच्छे से पता रहता है कि उसको क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो ट्राई करो कि उसमें मल्टीपल वेरिएशंस आप इंट्रोड्यूस करो। मैं जब भी फ्रीलांस करता था कॉन्सेप्ट आर्ट का, ठीक है, तो मैं क्या करता, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता तो मैं उसको मल्टीपल डिज़ाइंस बना के देता था। हालांकि आप किस टाइप के डिज़ाइंस बनाने हैं, क्या अवॉइड करना है, ये इसके ऊपर एक कंप्लीट अलग थ्योरी है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता था तो हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता तो मैं उसको तीन अलग अलग वेरिएशंस देता था। ठीक है, उनको जो अच्छा लगे वो लेते थे, और जनरली ये चीज़ें काम करती थी हर बार। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको इंट्रोड्यूस करो अपने आर्ट स्टाइल में। हो सकता है ये आपको फ़ायदा दे, हो सकता है ये आपको फ़ायदा ना दे, आपके ऊपर आप इसको यूज़ कैसे करते हो। ठीक है, तो इस टाइप के डिज़ाइंस बनाने हैं आपको। ठीक है, जिसमें से एक पुरानी सिटी से जहाँ पास बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं और वहाँ पास ऑलरेडी डेड बॉडी पड़ी हुई है और आपका कैरेक्टर उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये आपका एक टास्क मैंने दिया है। अब हर जो भी आर्टिस्ट इस टॉपिक के ऊपर आर्टवर्क बनाएगा, सबकी अपनी अपनी अलग एक डिज़ाइन लैंग्वेज होगी, सबके डिज़ाइंस टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे अगर वो लोग एक दूसरे का वर्क ना देखें तो। वैसे ही आपको अपनी खुद की एक डिज़ाइन लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो किसी और आर्टिस्ट के इंस्पिरेशन लो। अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हो सकते हैं कि आपको किसी आर्टिस्ट का कलर थ्योरी बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको सेव करके अपने विजुअल लाइब्रेरीज में यूज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं और डेडलाइन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होती है। ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और सपोज़ करो कि आपको शाम तक उनको, सुबह आपको प्रोजेक्ट मिला और क्लाइंट डिमांड करे कि मेरे को शाम तक अपने प्रोड्यूसर्स को ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट का बनाना है, तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, तो आपको अपना बेस्ट वर्क वहाँ पर शो करना है। तो आप क्या कर सकते, जल्दी से उसको थ्री डी में बनाना, थ्री डी बनाओ, टू डी बनाओ, टू डी बनाओ, जैसे भी आप उसको डिज़ाइंस करो। अगर आपके पास कोई अच्छा पहले का आर्टिस्ट का अगर आप सेव करके रखे हो किसी के काम को, तो हो सकता है आप उसमें से कलर्स थ्योरीज, कलर्स को ये देख लो कि हाँ इस टाइप के आर्ट पहले मैंने देखे थे या फिर मेरे पास पड़े होंगे, तो मैं उससे यहाँ इस टाइप के कलर यहाँ पास एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आपको उसके वर्क को कॉपी नहीं करना है, और अदरवाइज़ आप लीगल इश्यूज़ में फंस सकते हो। ठीक है, अगर हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन हू नोज़ का कल क्या हो जाए। ठीक है, तो आपको दूसरे आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन लेना, अपनी खुद की एक विजुअल लाइब्रेरीज बनानी है ताकि आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, यूज़ टॉयज़, बच्चों के खिलौने को इस्तेमाल करो एज अ रेफरेंस या फिर शॉर्ट डिज़ाइनिंग में। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अभी तक इतने अच्छी हम लोगों ने बात की, उसके बाद अचानक से बच्चों के खिलौने पे कैसे आ गए। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरी मौसी का बेटा आया था। ठीक है,
वो है क्लास वन में, ठीक है। तो उसके पास, उसको एक ट्रक्स और ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। तो वो ट्रैक्टर्स के साथ खेलता था, तो जैसे वो खेल रहा था ना, तो मैंने ट्रैक्टर्स को पास से देखा, तो मैं ट्रैक्टर के डिज़ाइंस बना रहा था अलग अलग एंगल से, ठीक है, अपनी स्केचबुक में। तो जैसे जैसे मैंने उसको डिज़ाइंस को बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी अपनी डिज़ाइंस जर्नी के दौरान, जब भी मैं उसको डिज़ाइन कर रहा था। तो वही जब शॉर्ट डिज़ाइनिंग में आप उसको करते हो, तो आपको अलग अलग शॉर्ट्स, मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, कि जब मैं टॉप व्यू से किसी ट्रैक्टर को डिज़ाइंस कर रहा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, किसी एंगल से वो काफ़ी ज़्यादा बकवास लग रहा था। तो अगर आपके पास, अगर आपके वर्क प्लेस में ऐसे कोई टॉय रहता है, तो आपको पहले से आइडिया हो जाता है कि ये किस कैमरा एंगल से कैसा लगेगा। कई बार हम जब प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं, तो हमको ये समझ नहीं आता कि हमको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। सपोज़ करो आपके चार्ट शीट में लिखा हुआ, या फिर जो भी आपका डिज़ाइंस में रिक्वायरमेंट है, क्लोज क्लोज अप शॉट की, ठीक है, लेकिन और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको आपको एकदम डल रखना है, तो आप वहाँ पर बैलेंस कैसे करो चीज़ों को। कई बार क्या होता है, टॉयज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन सभी सिनेरियोज़ में। कि देखो, मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे ये स्क्रीन पे ये एक विला टाइप का आप लोगों को दिख रहा होगा, या फिर ये एक रोबोट टाइप का दिख रहा है, ठीक है। रोबोट में इसके पीछे जो है वो एक फ्लैट इमेज है, लेकिन जब मैं इसको फाइनल शॉर्ट फिल्म, ये मेरे चैनल पर डली हुई, जब आप इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये 3D का एक पीछे पूरा का पूरा सीन है। ये क्या है, एक विजुअली मैंने इसको एक फेक इल्यूजन क्रिएट करने का यहाँ पर ट्राई किया है। और जब मेरे पास टॉयज़ होते हैं, तो मैं शॉर्ट्स के, मेरे को आइडियाज़ अपने आप मिलने लग जाते हैं कि हाँ, इस टाइप की चीज़ें करूँगा तो ये ऐसे लगेगा, पास से ये कैसे लगेगा। जनरली इस टाइप की चीज़ें तब काम आती है जब आपको शॉर्ट मेंशन ना हो, आपको शॉर्ट्स का आइडिया ना हो कि आपको कौन से शॉर्ट लेने हैं, वाइड एंगल शॉट, अल्ट्रा वाइड, इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ट्राई करिए, कि लास्ट पॉइंट मैं यही कहूँगा कि ट्राई करें कि आप लोग मल्टीपल डिज़ाइंस लैंग्वेज को सीखें, अपने आर्ट वर्क में मल्टीपल डिज़ाइंस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपके आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा अलग लगे। और आप एज एन आर्टिस्ट, जो भी आपके क्लाइंट आपके पास आ रहा है, आप उसको जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ क्रेज सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।